नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे हिंदुस्तान में हिंदुत्व के लिए लड़ना आसान नहीं है। कोई व्यक्ति देशभक्ति, भारतीय संस्कृति या सनातन धर्म की बात करते हैं और राष्ट्र विरोधी लोगों का विरोध करते हैं तो उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है, यहाँ तक कि उनकी हत्या भी हो सकती है अथवा जेल के हवा भी खाना पड़ सकता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं, उसमें से हम कुछ उदाहरण हम आपको बता रहे हैं जिसमें सभी हिंदू मिलकर राष्ट्र विरोधी ताकतों को उखाड़ फेंक सकेंगे। कुछ समय पहले नूपुर शर्मा के एक बयान के बाद देश में हिंसा भड़की, जबकि नूपुर शर्मा का कहना था कि हमारे शिवाजी भगवान के लिए गलत बोले तो कुछ नहीं, ? वैसे ही हम अभी वर्तमान में बीजेपी विधायक टी राजा ने बिना नाम के लिए बोले, फिर भी उनको गिरफ्तार किया गया। भाजपा ने अपनी पार्टी से निकाल दिया और जब उनको जमानत मिल गई तो शांति प्रिय समुदाय ने रात भर प्रदर्शन किया। और सर तन से जुदा के नारे लगाए, जबकि टी राजा सिंह ने अपने भगवान श्री राम के अपमान करने पर बिना नाम लिए बोला, फिर भी उनको इतनी यातनाएं सहन करनी पड़ी थी। ऐसे ही कुछ दिन पहले अभिनेत्री कंगना रनौत ने जब बॉलीवुड और ड्रग्स माफियों की पोल खोली तब उनके खिलाफ भी कई आरोप लगे, यहाँ तक कि उनका मकान भी तोड़ा गया और एयरपोर्ट पर विरोध भी सहन करना पड़ा और ऊपर से FIR भी दर्ज की गई तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। सुदर्शन न्यूज़ के मुख्य संपादक सुरेश चौहान ने जब UPSC में मुस्लिम घुसपैठियों और जिहादियों का खुलासा किया तब उनके खिलाफ कैंपेन चलाया गया, उनके खिलाफ अनेक FIR दर्ज करवाई गई, यहाँ तक कि उनके चैनल को विज्ञापन देना बंद करवा दिया जिसके कारण उनका चैनल बंद हो जाए। उससे पहले भी उनकी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, आज भी वे संघर्ष कर रहे हैं। उड़ीसा, बंगाल, केरल आदि में कई राष्ट्रभक्तों की हत्या की जा रही है। जिन आदिवासियों को ईसाई बनाया दिया गया था उन लाखों हिंदुओं की घर वापसी हिंदू संत आसाराम बापू ने करवा दी। केरल में लाखों हिंदुओं को घर वापसी लाए थे, करोड़ों लोगों को सनातन धर्म के प्रति आस्थावान बनाया, सैकड़ों गुरुकुल और 17,000 से अधिक बाल संस्कार केंद्र खोलकर बच्चों को भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन जीने की कला बताई, कत्लेआम जाती हजारों गायों को बचाकर उनके गौशालाएं खोल दी, अनेक गौशालाएं बनाए, विदेशियों की देन वैलेंटाइन डे के बदले मातृ पितृ पूजन दिवस करवा दिया, क्रिसमस ट्री के बदले तुलसी पूजन दिवस शुरू करवा दिए। विदेश में भी बापूजी के लाखों अनुयायी बन चुके हैं और वे भारतीय संस्कृति का वहां प्रचार करने लगे थे, करोड़ों लोगों को व्यभिचार से सदाचार बना दिए। उनके बाद उन करोड़ों लोगों को व्यसन छोड़ा दिए, सिनेमा में जाना छोड़ दिया, क्लबों में जाना छोड़ दिया, ब्रह्मचार्य का पालन करने लगे, स्वदेशी अपनाने लगे। इसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अरबों खरबों का रुपए का घोटाला हुआ का घाटा हुआ और ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण की दुकानें बंद होने लगे। फिर भी उनकी सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र रच कर जेल भिजवा दिया गया और अभी भी वे 10 साल से जेल में बंद है, 86 वर्ष की उम्र में। लेकिन पिछले 10 सालों में बापूजी को एक दिन भी जमानत नहीं दी गई। प्रखर राष्ट्रभक्त साध्वी प्रज्ञा जी को 9 साल, DJ बंजारा को 8 साल, स्वामी असीमानंद को 8 साल और कर्नल पुरोहित को 7 साल, केशवानंद महाराज
शंकराचार्य आदि को सालों तक जेल में रखा गया और अमानवीय यातनाएं दी गई थी। उड़ीसा में धर्मांतरण का विरोध कराने वाले दारा सिंह को सालों से जेल में रखा गया और अपनी माँ की अंत्येष्टि करने के लिए भी पैरोल नहीं दी गई। 2008 के कंधरमाल में विधर्मियों ने स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती सहित 3 और साधुओं की गोली मारकर हत्या कर दी। लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि लक्ष्मणानंद स्वामी जी ने ईसाई मिशनरियों को धर्मांतरण कराने पर रोक, कंधमाल में निर्दोष आदिवासी के धर्म परिवर्तन का विरोध कर रहे थे। आपको यह उदाहरण इसलिए बता रहे हैं कि हिंदू ही आपस में संगठित नहीं हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, जाति पाति में बटे रहे हैं। कोई एक राष्ट्रवादी फंसता है तो उनका समर्थन करने वाले बहुत कम होते हुए हैं, जिनके कारण आज हिंदू धर्म की भी दुर्दशा हो रही है। इसलिए अब समय आ गया है कि जिन राष्ट्रभक्तों का विरोध हो रहा है उनका समर्थन करें, उनके साथ हो रहे अन्याय के लिए आवाज़ उठाएं। इससे भारतीय संस्कृति व हिंदू राष्ट्र विरोधी ताकतें आसानी से हार जाएगी और राष्ट्रवादियों की जीत होगी। इससे संस्कृत व राष्ट्र सुरक्षित रहेगा और राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। जय श्री राम।